हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं क्रैश कोर्स को। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश सेशंस की। जैसे मैंने आप सभी को सबसे पहले वर्ब के बारे में करवा दिया, उसके बाद में हमने किया किसके बारे में, नाउन के बारे में हमने किया, और अब हम प्रोनाउन कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे इसी तरीके से चलते चलते हम सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कर लेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। जैसे हमने वर्ब को किया, उसके बाद हमने नाउन को किया, फिर आज प्रोनाउन को कर रहे हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स की भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम 16 नवंबर से होने वाला है। प्रैक्टिस सेट सीरीज जो हम कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट सीरीज को हमने बीच में छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है 16 नवंबर को। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस सेट सीरीज को दोबारा चालू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी फिर से चालू हो जाएगी। फिर से हम 20 के आसपास प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। बहुत एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट होंगे वो, ना केवल वो एयरफोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बल्कि कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए भी उतने बेनिफिशियल होंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट टॉपिक नहीं करवा पा रहा, मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। वही कंसेप्ट आपके एग्जाम में एरर्स के तरीके से, फिलर्स के तरीके से या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इंश्योर कीजिएगा कि आप इन सेशंस को मिस ना करें। इसके अलावा एक बेहद ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए ये है कि वोकैब शो जो हम 100 डे वोकैब शो कर रहे हैं, प्लीज़ आप उस वोकैब शो को मिस ना करें, किसी भी हालत में ना करें। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आपने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तो वो आपके लिए बेहद ज़रूरी वोकैब सेशंस हैं। मैंने आपको बताया था कि वोकैब सेशंस को पढ़ने के 3 ही तरीके हैं। वोकैब को पढ़ने के 3 तरीके हैं। कौन से हैं? सबसे पहला तो आप उसको रूट वर्ड्स की मदद से पढ़ लीजिए, दूसरा निमोनिक्स की तरीके से पढ़ लीजिए, और तीसरा उसको बस हर रोज़ रिवाइज करके उसको याद कर लीजिए। सबसे भी इफेक्टिव तरीका होता है रूट वर्ड के जरिए पढ़ना, लेकिन रूट वर्ड के जरिए पढ़ना आसान है, आप ज़्यादा वर्ड सीख पाएंगे। लेकिन जो चीज़ में बेहद ज़रूरी है वो है कि रूट वर्ड से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो 30 से 40% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रूट वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनको करने का तरीका आसान है, आप सब कर सकते हो। दूसरा है निमोनिक्स के जरिए। निमोनिक्स के जरिए बेहद ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट तरीका है। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके उसको याद करना, ठीक है? किसी चीज़ को आप किसी से रिलेट कर रहे हो, फिर आप उसको याद कर रहे हो, अपने आइडियोलॉजी से उसको कुछ भी रिलेट कर रहे हो आप किसी से भी, वो आपका दूसरा तरीका होता है वो कब को पढ़ने का। तीसरा तरीका होता है चीज़ों को बार बार रिवाइज करके याद रखना। मैंने आप सभी को जो वोकैब सेशन दे रहा हूँ वो इतने इनफ है कि आप अगर हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इतना ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं है। आसानी से आप एक प्रैक्टिस सेट आप हर रोज़ कर सकते हो। आज एक वोकैब सेशन को आपको हर रोज़ करना है, उसको हर रोज़ याद करना है, और हर रोज़ याद करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? उसको हर रोज़ आप अपनी फिर नोटबुक के अंदर लिखिएगा, लिखते जाइए। रफ नोटबुक ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में वे सारे वर्ड्स को लिखते जाइए, बार 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 रिवाइज करते जाइए। यही एक तरीका होगा जिस तरीके से आप अपनी वोकैब को बेहद अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो वोकैब को अच्छा करने का तरीका यही होगा कि आप हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस करें, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का टाइम वेस्ट ना करें। आज का सेशन क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। क्रैश कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन और इसके अलावा सेंटेक्स जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, हमने वो भी कर लिया अच्छे से। आज प्रोनाउन के बारे में करना पढ़ना चाहते हैं। प्रोनाउन से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ किस चीज़ के बारे में, अबाउट आवर कोर्स। ये मेरा इंडिविजुअल कोर्स है जिसके अंदर हम आपको इंग्लिश टारगेट बैच करवा रहे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश और रागा आप मुझसे पढ़ सकते हो। इंग्लिश सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, बेहद अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा योग लाइव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से जाके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, इंट्रोडक्टरी क्लास मेरी वहां पे है, वहां पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, इंट्रोडक्टरी आपके स्टार्टिंग की 2-3 क्लास आपके लिए फ्री रहेगी, आप उनको जाके देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको समझ में आ रही है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ इस जर्नी को एक खूबसूरत तरीके से आगे तक लेके जाइए, ठीक है? तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस को, यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 20 बेहद 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 जरूरी क्वेश्चन आपके लिए होंगे। 20 क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकते हैं मैं लेके आया हूँ, बेहद जरूरी वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है? पहले आपको प्रोनाउन पढ़ने से पहले प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है, कैसे काम करता है। हमने आपसे पहले पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन क्या है? अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी प्लेस का, ऑब्जेक्ट का, एक्शन का, क्वालिटी का, स्टेट का, फीलिंग का,
जो भी है सबका कोई नाम है, वो नाम क्या है, वो नाउन कहलाता है। इसके अलावा सेकंड तरीके जो हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, क्या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक्चुअली होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, कि नाउन की बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, वहां पे हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या है, अवॉइड ऑफ रिपीटेशन नाउन, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जिसका यूज करते हैं वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बारे में पढ़ लिया था, प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन के बेसिक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ मंडे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माई सेल्फ क्या है। माई सेल्फ अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता, किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग में किसी कभी भी आप किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माई सेल्फ अपने आप में गलत होगा। जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम किसी इंटरव्यू में, या फिर बहुत बार हमसे कोई पूछता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जब हम क्या कहते हैं माई सेल्फ दिस 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 माई सेल्फ, ये हम बोलते हैं। हालांकि हमें बोल देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो रोंग है। आप कभी भी किसी भी इंट्रोडक्शन में या फिर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुकेश तो सही है अपने आप में, लेकिन माई सेल्फ गलत होगा। और हमेशा आपको मैंने बताया था अरेंजमेंट के बारे में, किसके अरेंजमेंट के बारे में बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट के बारे में। अरेंजमेंट कैसी, मैंने आपको प्रोनाउन की अरेंजमेंट बताई थी। प्रोनाउन की अरेंजमेंट क्या होती है सर, प्रोनाउन की अरेंजमेंट होती है सर 1, 2, 3 में और 2, 3, 1 में। सर ये क्या है 1, 2, 3 और 2, 3, 1 क्या है, मैंने आपको बताया था ये क्या है, अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सर कौन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन आपके हो सकते हैं आई हो सकता है, मी हो सकता है, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन सर यू हो सकता है आपका। थर्ड पर्सन क्या हो सकता है सर, वो ही शी जो भी है आपका नाउन या नाम, कोई भी नाउन है वो हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था 1, 2, 3 की जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ यूज होता है और 2, 3, 1 का स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है। 1, 2, 3 का स्ट्रक्चर वहाँ होता है जब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बैड एक्ट हो रहा होता है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को आगे रखते हैं। उस सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज होता है, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आता है। उसी तरीके से अगर कोई गुड एक्ट होता है तो उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी गुड एक्ट होता है उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर 2, 3, 1 सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। इसमें देख लीजिए कैसे किस तरीके से हो रहा है, समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए सबसे पहले आपको बताना है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी यूज नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी यूज नहीं होगा। तो माई सेल्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा मुकेश एंड आई। तो यहाँ पे राइट सेंटेंस की अरेंजमेंट क्या होगी, मुकेश एंड आई, मुकेश एंड आई विल टेक, ये अपने आप में आगे सारा सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट अरेंजमेंट होगी और राइट तरीका होगा इस सेंटेंस को करने का। बेसिक कंसेप्ट क्या था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये अपने आप में कभी भी यूज किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होंगे। याद रख लीजिएगा कि ना केवल माई सेल्फ, यहाँ पे अगर देम सेल्फ लिखा होता, आर सेल्फ लिखा होता, इज सेल्फ लिखा होता, हर सेल्फ लिखा होता, कभी भी रिफ्लेक्शन कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं होता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट स्टेट ही कम फ्रॉम। यहाँ पे देख ली सेंटेंस में एरर क्या है, द डायरेक्टर आस्क्ड, डायरेक्टर पूछा था कैंडिडेट, किससे कैंडिडेट से पूछा, टू व्हाट स्टेट, व्हाट स्टेट नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा टू विच स्टेट, विच अपने आप में क्या है, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सिलेक्शन की, किस सिलेक्शन की, किस स्टेट से, किस स्टेट से वो आया है, किस स्टेट से वो आया है, उसने पूछा उस स्टूडेंट से, तो विच स्टेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपने आप में सेंस भी यही बना रहा है, व्हाट स्टेट नहीं, विच स्टेट, सिलेक्शन किया जा रहा है किसका, दूसरे स्टेट से, कि इन स्टेट्स में से किस स्टेट में से आप हो। ठीक है, तो यहाँ पे विच स्टेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट, हु ऑफ द स्टूडेंट नहीं, विच ऑफ द स्टूडेंट, फिर से वही वही एरर फिर से है, विच ऑफ द स्टूडेंट, किन स्टूडेंट में से, किन स्टूडेंट में से, विच ऑफ द स्टूडेंट, किन स्टूडेंट में से, उस स्टूडेंट की बात की जा रही है, हैज ब्रोकन द विंडो, किस स्टूडेंट ने, सिलेक्शन की बात की जा रही है, किस सिलेक्शन की बात, इन सभी बच्चों में से, इन सभी बच्चों में से किस स्टूडेंट ने क्या किया है, विंडो को तोड़ा है। ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो हु नहीं, हु और हुम यूजुअली क्या होता है, हु और हुम को हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, लिविंग के लिए यूज करते हैं, विच का यूज हम यूजुअली करते हैं, दैट का यूज करते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये अपने आप में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे विच ऑफ द स्टूडेंट, किस स्टूडेंट ने, नेक्स्ट है द
द भारतीय जनता पार्टी हैज़ रेडी टू प्रूव द मेजोरिटी एंड देयर पॉलिटिक्स एग्जिस्टेंस। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, यहाँ पे बात की जा रही है बढ़ने प्रोनाउन को। तो अभी आपको इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे जो एरर्स होंगे प्रोनाउन के होंगे। अब देख लीजिए सब्जेक्ट, देख लीजिए क्या है इस सेंटेंस का, द भारतीय जनता पार्टी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या है, वॉज रेडी टू प्रूव दैट मेजोरिटी एंड देयर, किसके बारे में, इन्हीं की तो बारे में बात की जा रही है। अगर इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सिंगुलर है लेकिन क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, इट्स का, ताकि देयर का, और इट्स अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर, ये सिंगुलर के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए आप इट्स का यूज करेंगे, ना कि देयर का, हिज का या हर का, ठीक है, इट्स का यूज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज द गर्ल हुम, हुम मैंने आपको बताया था हु और हुम के बारे में, क्या होता है हु और हुम के बारे में, मैंने आपको बताया था हु के बारे में और मैंने आपको बताया था हुम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हु यूज होता है हमेशा किसी भी सब्जेक्टिव केस के लिए, किसी भी सब्जेक्टिव के लिए, इसके लिए आप हमेशा हु का यूज करते हैं, और हुम का यूज आप किसी भी ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो गर्ल है अपने आप में क्या है, सिंगुलर और सब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर भी है और सब्जेक्टिव केस भी है। तो उसके बाद आप हमेशा यूज करेंगे हुम का, नहीं हु का। तो यहाँ पे हु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द गर्ल हु वोन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कंपिटिशन, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया आपको, इस तरीके का ही कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, वेर एवर दे गो मिथिलेट्स इजिली, मिथाइल्स इजिली अडेप्ट देमसेल्फ टू लोकल सर्कमस्टांसेस, वेर दे, हमेशा देखिए दे, जैसे मैंने बताया हिज, हिज के लिए आप हिज सेल्फ यूज करते हैं, आर के लिए आप आर सेल्फ यूज करते हैं, यू के योर सेल्फ यूज करते हैं, उसी प्रकार देम सेल्फ, दे के लिए आप देम का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो देम सेल्फ अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता, उसकी जगह आप हमेशा यूज करेंगे देम सेल्फ का। वहां पे देम सेल्फ होगा, ना कि देम सेल्फ, सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट गलत था, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यहाँ पे तो गलत था, आपको चेंज करना था इसको किससे, देम सेल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के सामने है, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, कंपैरिजन की बात की जा रही है, किसके कंपैरिजन हो रहा है, उससे, उस लड़की की बात की जा रही है, उस लड़की से कंपैरिजन हो रहा है किसका, शीला का। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ये है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस से होगा, देन शी, कंपैरिजन में आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करेंगे। लाइक वाइज चीजों का अपने आप में कंपैरिजन होता है, अनलाइक चीजों का कंपैरिजन नहीं होता। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस से होगा, तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे शीला है, शीला इज द मोर, इज मोर ब्यूटीफुल देन शी, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस शी का यूज होगा, ना कि हर का। हर अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव, या फिर इसके अलावा आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, पजेसिव प्रोनाउन में अपने आप में हर्स होता है, ठीक है। हर्स क्या होता है, हर्स अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, और जो हर है ये अपने आप में क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर एज मच हिज ओन। आपको पता है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, देख लीजिए यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, दैट कंजंक्शन, दैट के बाद आपको यूज हो रहा है वन, वन अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। जब सेंटेंस वन है तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन उसका क्या होता है, उसका वंस होता है, तो आप उसके साथ वंस का यूज करेंगे, वन के साथ उसका प्रोनाउन वंस यूज होता है। तो यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे, महात्मा गांधी टॉट अस, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया, दैट वन शुड, बात कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट है वन, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन, रिलीजन, ठीक है, ऑफ अदर, दूसरे के रिलीजन की भी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज मच एज हिज ओन, अपने जितनी वो अपने की करता है ना, उतनी ही उसको दूसरे के रिलीजन की भी मदद करनी, वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हिज ना होके वंस हो जाएगा, ठीक है। तो वन का अपने आप में प्रोनाउन आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या, वंस का यूज करेंगे, पोजेसिव का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आप वंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, ही यू एंड आई विल गो टू विजिट द ताजमहल। मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैंने आपको बताया था वन टू थ्री का स्ट्रक्चर, और टू थ्री और वन का स्ट्रक्चर, मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये अपने आप में किसी भी बैड एक्ट के लिए यूज होता है ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर आपका हमेशा यूज होता है किसी भी गुड एक्ट के लिए। गुड एक्ट और बैड एक्ट का एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे आप, ये अपने आप में गुड एक्ट का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है, पे बात की जा रही है, विल गो टू विजिट ताजमहल, अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस आ रही है, तो अपने आप में स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा, टू थ्री वन का स्ट्रक्चर होगा। टू थ्री वन का मतलब सबसे पहले आपका यूज किसका होगा,
यू का सेकंड पर्सन आपका यू है, उसके बाद में आपका थर्ड पर्सन जो कि ही है वो फर्स्ट पर्सन आई है। तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा यू उसके बाद में ही एंड आई। इस तरीके से आप इस सेंटेंस के अरेंजमेंट करेंगे और यही इसकी राइट अरेंजमेंट होगी। मैंने आपको बताया 1 2 3 स्ट्रक्चर फॉर बैड एक्ट, किसी भी बैड कार्य के लिए आप उसको यूज करेंगे। इसके अलावा गुड एक्ट आपके लिए 2 3 1 होगा। अगर इस सेंटेंस को किस तरीके से पूछा जाता, यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से पूछा जाता ही यू एंड आई, मेरे मिस्टेक, यहाँ पे मेरे मिस्टेक लिख देते, या फिर ब्रोक द ग्लास, मतलब कोई भी नेगेटिव सेंस या फिर कोई भी बैड एक्ट हो रहा है उसमें अगर मैं इस तरीके से सेंटेंस को अरेंज करके देता तो इस सेंटेंस को आप किस तरीके से करते, फिर इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता, वो 1 2 3 का स्ट्रक्चर हो जाता। 1 2 3 का स्ट्रक्चर कैसे होता, सबसे पहले आप यूज करते किसका, किसका फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन क्या पे आई, इसके बाद में आप किसका यूज करते सेकेंड पर्सन का आई यू एंड ही मेड ए मिस्टेक। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से ना होके 1 2 3 के स्ट्रक्चर में हो जाता है। 1 2 3 ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये अपने आप में किसी भी बैड एक्ट का स्ट्रक्चर होता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये अपने आप में किसी भी गुड एक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो गुड एक्ट में यहाँ पे देख लीजिए सेंटेंस पहले कि आप अपने आप में सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर कैसा है। सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में क्या बोल रहा है, विजिट द ताजमहल, वो ताजमहल घूमने का सोच रहे हैं, वो ताजमहल घूमने जाएंगे, तो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा 2 3 1 का, और नेगेटिव सेंस में स्ट्रक्चर 1 2 3 का होगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इट वॉज हिम हु गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट यस्टरडे। मैंने आप सभी को बताया था किसके बारे में, मैंने आप सभी को इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि हर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, बी की सारी फॉर्म, बी की सारी फॉर्म कौन सी, इज एम आर वॉज वर। मैंने आपको बताया था कि इज एम और वॉज वर ये अपने आप में क्या है, बीइंग ये क्या है, सब में अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, बी की सारी फॉर्म है और अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप हमेशा किसका यूज करते हैं, किसी भी सब्जेक्टिव केस का, तो हिम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इट इज, मैंने आपको एक सेंटेंस और बताया था, इट इज मी हु ब्लेम फॉर द ब्लंडर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि इज के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप सब्जेक्टिव केस इट इज मी, इट इज मी ना होकर आप इट इज आई का यूज करेंगे। इट इज आई हु, कौन, किसको ब्लेम किया जा रहा है, आई को, हु एम, यहाँ पे अगर वर्ब को फिल करना होता तो आप एम का यूज करते, इट इज आई हु एम ब्लेम, ठीक है, हु एम ब्लेम फॉर द ब्लंडर या फिर फॉर द मिस्टेक, इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, किसके बारे में, ये अपने आप में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे आपको अगर वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब फिल करनी होती है तो आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो इट इज यहाँ पे, हालांकि इसमें ये अपने आप में पास्ट में है तो यहाँ पे आप किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप हमेशा यूज करेंगे किसी भी सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस अपने आप में ही हो जाएगा ना कि हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सपोज यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, ग्रीस हैज मैरिड टू हैरिस, क्या है, ग्रीस हैज मैरिड दैट गर्ल, देखो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले देखेंगे आई सपोज, आई सपोज व्हाट, यहाँ पे यूज होगा कंजंक्शन दैट का, आई सपोज दैट यू हैव हर्ड, मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि आपने इस न्यूज के बारे में सुना है, दैट लेटेस्ट न्यूज, इन लेटेस्ट न्यूज क्या है, ग्रीस हैज मैरिड दैट गर्ल, ठीक है, आई सपोज दैट, तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज होगा। नेक्स्ट है, एज सून एज आई सो माई मदर रन टू हर एंड एम्बरेस्ड मी, मी नहीं होगा, देख लीजिए क्या सेंटेंस है, सुना है, जैसे मैंने देखा किसको, आई सो माई मदर, मैंने अपने मदर को देखा, आई रन टू हर, मैं उनके पास भागा गया, एंड एम्ब्रेस्ड हर होगा,
एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, एम्बेरिस, एम्ब्रेस का मतलब होता है अपने आप में गले लगाना, किसी को गले लगाना, ठीक है, गले लगाना। फिर इसको बोलते हैं ना फोंडल, फोंड, सॉरी फोंड, फोंड मैंने आपको बताया ना, फोंड का मतलब भी क्या होता है, किसी को प्यार दुलार करना। तो क्या है अपने आप में, एज सुन एज आई सो माई मदर, जैसे ही मैंने अपनी मदर को देखा, आई रन टू हर, मैं उनकी तरफ भागा, एंड एम्ब्रेस्ड हर, उसको बात की जा रही है किसके बारे में, मदर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हर का यूज होगा, उनको भागकर गले से लगाया, ठीक है, समझ में आया आपको सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सो अनेबल टू गेट, ओके, ही वॉज अनेबल टू गेट ए रेजिडेंस सुटेबल फॉर हर वाइफ एंड हिम, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, ही की, तो ही क्या अपने आप में सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या है ही, और अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है, ही अपने आप में मैस्कुलिन है, और ही के बाद अगर दूसरा शी अपने आप में फेमिनिन है, तो यहाँ पे ही की बात की जा रही है। ही वॉज अनेबल, कौन एनेबल था, वो खुद व्यक्ति, टू गेट रेजिडेंस, किसको करने में, एक जगह को ढूंढने में, सुटेड फॉर, किसके लिए सुटेड फॉर, हिज वाइफ, नो की हर वाइफ, हर वाइफ नहीं होता वो, होगा हिज वाइफ, ठीक है, मैस्कुलिन की ही वाइफ होती है, ठीक है, यहाँ पे हर हस्बैंड हो सकता था, लेकिन हर हस्बैंड नहीं, यहाँ पे हिज वाइफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और हिज वाइफ कौन ढूंढ रहा था, वो व्यक्ति ढूंढ रहा था, क्यों, जो कौन है अपने आप में एक मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर है तो वहां पे आप यूज करेंगे इसका आगे हिज का, ना कि हर का। मैस्कुलिन के लिए आप किसका यूज करते हैं, आप हिज का यूज करते हैं, और फेमिनिन के लिए आप हर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट सीट्स, ठीक है, स्पेक्टेटर्स क्या होता है, स्पेक्टेटर्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम को देखने वाले, जो ऑडियंस होती है ना, दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं, अपने आप में स्पेक्टेटर्स कहलाते हैं, और ये अपने आप में क्या है, अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल है, आर, ठीक है, आर रिक्वेस्टेड टू बी इट्स, इट्स नहीं होगा तो उसके बाद आप यूज करेंगे देयर का, टी एच ई आई आर, देयर, देयर का यूज करेंगे, क्योंकि अपने आप में प्लूरल के लिए रिफ्लेक्शन इट्स का नहीं, देयर का यूज करेंगे, ठीक है, और अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, दर्शक होते हैं, जो भी किसी भी, तो आप अपने आप में स्पेक्टेटर्स का यूज होता है, स्पेक्टेटर्स क्या है, अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल क्या है, स्पेक्टेटर्स, और स्पेक्टेटर्स के लिए आप यूज करेंगे किसका, देयर का, ना कि इसका, ठीक है। आज वाईफाई में थोड़ा सा इश्यू है, इसलिए द अकाउंटेंट मस्ट फॉलो वंस टेक्निक टू डील विद द बिजनेस, ठीक है, द अकाउंटेंट्स के लिए आप वंस मस्ट फॉलो वंस टेक्निक टू डील विद बिजनेस। अकाउंटेंट अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है अपने आप में सिंगुलर है, उसके लिए आप वंस का यूज नहीं करेंगे, हिज टेक्निक्स, ठीक है, वो अपनी टेक्निक्स को यूज करता है, हिज टेक्निक्स, ठीक है। आज के सेशन को यही ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं दोबारा से अगले सेशन के ऊपर, क्योंकि आज थोड़ा वाईफाई इशू है, दैट्स व्हाई पीपल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या इशू है, तो अभी के लिए आपको इतना ही कर लेना है, 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, प्रोनाउन का हो सके तो मैं एक और पार्ट अपलोड कर दूँ, अभी के लिए आप इतना ही रखिएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।